नमस्ते बच्चों, मैं आशुतोष अपने YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज है 25 दिसंबर और हर वर्ष यह क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को क्रिसमस दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और आज 25 दिसंबर को और एक बड़ी चीज़ है, वह हम लोगों के लिए है जो खोरठावासी हैं, और वह है खोरठा दिवस। 25 दिसंबर को खोरठा दिवस मना के रूप में मनाया जाता है। तो खोरठा दिवस की आप सभी को ढेर सारे शुभकामनाएं। और आज वह दिन है जिस दिन खोरठा साहित्य के जो प्रथम आंदोलन करता थे, जिन्होंने खोरठा को राज्य की मुख्य धारा में शामिल किया, खोरठा को सम्मान दिलवाया। यदि आपने सुना होगा कि संस्कृत में रामायण लिखने के लिए महर्षि वाल्मीकि को जाना जाता है, तो खोरठा की शुरुआत करने के लिए खोरठा में उन्होंने इतनी रचनाएं की, उसमें बहुत सारी प्रकाशित हुई और कई सारी जो है वह धन के अभाव में जो है वह प्रकाशित नहीं हो पाई। यही कारण है कि उनको खोरठा का वाल्मीकि कहा जाता है, खोरठा भाषा का अग्रदूत कहा जाता है। तो आज 25 दिसंबर को उनके जन्म का 100वां वर्ष है, मतलब 100 वर्ष हो गए, यह उनकी जन्म शती है। तो श्री निवास पानुरी जी, उनकी जन्म शती पर आप सभी को फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। 25 दिसंबर 1920 को आप सोच सकते हैं, 25 दिसंबर 1920 को जब भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय खोरठा भाषा के महान साहित्यकार जो हैं उनका जन्म हुआ। कहाँ? तो हमारे झारखंड के धनबाद जिले में बरवाड्डा में उनका जन्म हुआ। और 24-25 वर्ष की उम्र थी, वह एक पान की गुमटी की दुकान चलाते थे और वहाँ पर वह साहित्यिक रचनाओं पर, साहित्य पर चर्चा किया करते थे, डिस्कस किया करते थे, लोगों से कविता पाठ किया करते थे और रचनाएं किया करते थे। भले ही उनको घाटा लग जाता था अपने पान बेचने के बिजनेस में, लेकिन उन्होंने पान बेच करके खोरठा साहित्य को, खोरठा भाषा को एक ऊंचे पायदान तक पहुंचाया और इसे काफ़ी समृद्ध किया। वह गरीबी में बहुत सारे अपने रचनाओं को नहीं छपवा पाए। बाद में उनके सुपुत्र श्रीनिवास पानुरी जी के सुपुत्र अर्जुन पानुरी जी ने उनकी कई रचनाओं को प्रकाशित किया। एक समय था जब खोरठा भाषा को नीच की भाषा कहा जाता था और इसे अपमानित किया जाता था, लेकिन राज्य की मुख्य धारा में शामिल करवाया। वह उसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है हमारे श्रीनिवास पानुरी जी को। मुख्य धारा में शामिल कराने का मतलब है जब सरकार उसे मान्यता देती है, उस भाषा को जब सरकार उसे बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल करवाती है, जब स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, जब कॉलेजेस में पढ़ाए जाते हैं उसके साहित्य, वह भाषा जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, तो फिर वह भाषा जो है मरती नहीं है, वह ज़रूरत की भी भाषा बन जाती है, वह लोगों की भाषा बन जाती है। तो हमें खोरठा बोलने पर, खोरठा गाने पर, लेकिन वह अश्लील नहीं हो, वह श्लील हो, कहने का मतलब वह सभ्य हो, सुसंस्कृत हो। और हम लोगों का भी यह दायित्व बनता है कि हम खोरठा को मान सम्मान दें, खोरठा बोलने में गर्व महसूस करें और लोगों को भी बोलने के लिए प्रेरित करें और इतने अच्छे से बोलें कि लोगों को मीठा लगे। ठीक है, इस तरह नहीं बोलें कि लोगों को चोट जैसा महसूस हो। तो यदि श्रीनिवास पानुरी जी की बात की जाए कि उनका जो जीवन है और उनकी जो रचनाएं हैं वो किनके समकक्ष ठहरती हैं, तो बाबा जो नागार्जुन हैं,
जो जन कवि, जनवादी कवि के रूप में जाने जाते हैं। जन कवि या जनवादी कवि, ऐसे कवि को ऐसे साहित्यकार को कहा जाता है जिनकी रचनाओं में, जिनकी कविता हो, जिनकी कहानी हो, जिनकी जो उनकी जो भी रचना है उसमें जनता से सरोकार जो चीज़ें होती हैं वह मुद्दे उनकी कविताओं में, उनकी रचनाओं में होती हैं। वे दरबारी कवि नहीं होते हैं जैसे कि राजा महाराजा के दरबार में दरबारी कवि हुआ करते थे। वह क्या करते थे, वह अपने राजा का गुणगान करते थे। वह राजकीय कवि नहीं थे कि सरकार के खजाने से उनको वेतन मिलता है और बदले में वो सरकार का गुणगान किया करते हैं। तो वह राजकवि नहीं, वह दरबारी कवि नहीं, बल्कि वह एक जन कवि थे। वह एक जनवादी विचारधारा से बिलोंग करते थे। तो बाबा नागार्जुन के समकक्ष वह ठहरते थे। बाबा नागार्जुन का जीवन भी सादा था, इनका भी जीवन सादा था। बाबा नागार्जुन ने भी मुफलिसी में जो है उनकी कथनी और करनी दोनों में अंतर नहीं था जैसे नागार्जुन बाबा का, तो इनका भी, इनकी भी कथनी और करनी में बिल्कुल अंतर नहीं था। मतलब जो बोलते थे वह करते थे, सीधा सपाटा, भोला भाला रहना, और जो भी धन अतिरिक्त उनके पास जब भी होता था तो अपनी रचनाएं प्रकाशित करवाते थे और साहित्य को समृद्ध किया करते थे। श्रीनिवास पानुरी जी की 1954 में पहली जो कविता संग्रह है वह प्रकाशित हुई जिसका नाम था बाल किरण। 1957 में उन्होंने खोरठा भाषा की मासिक पत्रिका निकाली मातृभाषा, और रांची जो आकाशवाणी होती थी उनकी खोरठा कविताएं वहां से भी प्रकाशित हुई। उनकी एक पत्रिका थी तिदकी जो बीच बीच में आती रहती थी, अर्थाभाव के कारण वो लगातार नहीं निकल पाता था, लेकिन फिर भी आती रहती थी तिदकी, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध पत्रिका थी। और 1968 में, मतलब 1968 में श्रीनिवास पानुरी जी ने जो महाकवि कालिदास हैं उनकी जो रचना है मेघ दूतम, ठीक है, तो उसका अनुवाद इन्होंने खोरठा में किया। मतलब संस्कृत भाषा में जो रचना है उसको उन्होंने खोरठा में अनुवाद कर दिया, इसका मतलब कि उनको संस्कृत की भी जानकारी थी। भले ही वह पान की गुमटी में बैठ करके पान बेचा करते थे, लेकिन किसी के कार्य को देख करके आप उसके मनोभाव किन्हीं के या फिर उनके बुद्धि विवेक को आप नहीं आंक सकते हैं, उसका मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें सादा जीवन जीना चाहिए लेकिन उच्च विचार हमें रखना चाहिए। 7 अक्टूबर 1986 को उनको हार्ट अटैक आ गया और उनका निधन हो गया था। उनकी कई रचनाएं जो हैं वह प्रकाशित नहीं हो पाई। पानुरी जी अक्सर कहा करते थे, मतलब वह जो मातृभाषा नामक की पत्रिका निकालते थे उसमें फ्रंट पेज पर जो है लिखा रहता था, आपन भाषा सहज सुंदर, बुझे गिदर बुझे बांदर, उनका वह लिखा रहता था। तो अपनी मातृभाषा जो यह है, अपनी मातृभाषा में मातृभाषा नामक की जो पत्रिका वह छपवाया करते थे। और अब तो रांची विश्वविद्यालय में भी खोरठा भाषा की पढ़ाई होने लगी है। तो और एक चीज़ है, आपने नाम सुना होगा कार्ल मार्क्स का, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने एक रचना की थी, उसका नाम था कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। तो उसी का आप समझ लें कि ये खोरठा रूपांतरण जो है वह युगेक गीता, नाम क्या दिया, युगेक गीता। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र खोरठा में उसका काव्य के जैसा है, उसको अनुवाद किया है उन्होंने युगेक गीता, जो कि पैसे के अभाव में प्रकाशित नहीं हो पाए। इसी तरह उनकी कई रचनाएं हैं जैसे रक्ते भी जल पाखा, ठीक है, और मोतिक चूर, अग्नि परीक्षा, ये उपन्यास है,
समाधान, मोह भंग, हमर गांव, भ्रमर गीत, एक है उद्भासलकरण। तो ये सारी रचनाएं जो हैं वो श्रीनिवास पानुरी जी की थी। तो आज के दिन हम उनको याद कर रहे हैं क्योंकि आज उनका 100वां वर्ष है, जन्म शती है, इसको बोल सकते हैं कि जन्म दिवस का उन्होंने उनका शतक है आज। तो ठीक है बच्चों, आपको श्रीनिवास पानुरी जी के बारे में सुन करके आपको अच्छा लगा होगा, उनके बारे में जानकारी जान करके आपको अच्छा लगा होगा, और मन में एक प्रेरणा आती है कि भले ही हम खोरठा बोलते हों तो खोरठा भाषा तो अपनी भाषा है, हम लोग जो अपनी माँ से सीखते हैं, अपने पापा से घर में सीखते हैं, और वह भाषा में भी इंसान चाहे तो बहुत दूर तक आगे जा सकता है। और दूसरी बात, सादा जीवन लेकिन उच्च विचार, काम भले ही पान की गुमटी उन्होंने चलाई लेकिन उन्होंने जो खोरठा भाषा है उसको सम्मान दिलवाया, उसको उसको राज्य राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करवाया, उसको बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल करना पड़ा अंत में सरकार को। तो जब कोई भाषा ऐसे ही पाठ्यक्रम में शामिल नहीं हो जाती है, उस भाषा को समृद्ध करना पड़ता है लेखनी के द्वारा। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।